है, पांडवों की गुफा है, उधर ही जा रहे हैं। इधर ये ऊपर में कुछ है, कुछ है नहीं, पांडवों की गुफा पे अपन आ रहे हैं, पांडवों की गुफा जा रहे हैं और मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कैसा क्या है और कितना आप यहाँ पे घूम सकते हो। थकान हो जाती है। यह सूर्य मंदिर यहाँ पे बहुत पुराना सूर्य मंदिर है और बोला जाता है यहाँ पे यहीं आसपास पांडवों की गुफा भी है। तेज बोलो, सूर्य मंदिर है यहाँ पे। सूर्य मंदिर सोमनाथ माता रुक जा देना तो सही करो। जूते चप्पल यहाँ पे उतारिए और यहाँ पे है पांच पांडवों की गुफा। यहाँ पे पांडवों के दर्शन कर सकते हैं। ये है पांडवों की गुफा, सात महादेव हैं यहाँ पे, महादेव के दर्शन। पांडवों के गुफा दर्शन करा दूँ मैं आपको, यहाँ से कुछ भी नहीं है। ये सूर्य कुंड है अंदर, यहाँ से आप देख सकते हैं। और नीचे जाना पड़ेगा, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा पानी को फील लेने के लिए, अच्छे से देखने के लिए उसके अंदर। और सूर्य की यहाँ पे है सूर्य कुंड, सोमनाथ है सूर्य कुंड। यहाँ से अपन चलेंगे वापस, दर्शन कर सकते हैं आप सूर्य कुंड में। यहाँ पे धीरज छाए जा रहे हैं और ये है, यहाँ पे है संगम, त्रिवेणी संगम, जो कि आप देख सकते हैं। त्रिवेणी संगम यहीं पे सकते हैं हम, त्रिवेणी भी संगम। त्रिवेणी संगम कहाँ पे लगा है? त्रिवेणी संगम बहुत ही अच्छा व्यू है। आप अगर सोमनाथ आए तो यहाँ जरूर आए, और बोट भी यहाँ पे चलते हैं, बोट से आप घूम सकते हैं। उधर बोला अपने चुतिया दोस्त को, बोला कुछ अभी हम बोट जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये हमारी बोट आ रही है, उस बोट में बैठना है। 30 रुपये देना, चार्ज खाली 30 रुपये पर पर्सन है। कौन सी बोट है? इलेक्ट्रिक बोट है जो एलन मस्क ने बनाई है। भाई साहब ये कुछ ज़्यादा नहीं होगा? एलन मस्क बना के आप भेजी है, इसी में चलेंगे। ये पानी में चल रही है, पानी आप देख सकते हैं।
और यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा है।